हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं नागपुरी पद्धति का काढ़ा मसाला। और ये वाटन एंड मीन्स ये नागपुरी स्टाइल हम एक काला मसाला बनाएंगे जो हमारे विदर्भ का स्पेशलिटी है। और हमारे नागपुर में जिस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, मैं उसका एक तरीका बताऊंगी आपको। तो उसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स लगने वाले हैं वो है ये अनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर। इसका मतलब है हमें प्याज लगेगा। हमने चार प्याज ली थी बड़ी वाली, उसके बाद में लहसुन यानी कि गार्लिक लगने वाली है, जिंजर यानी कि हमें अदरक लगने वाला है, ये हरी मिर्च लिए हमने 3 से 4। उसके बाद में हमें ग्रेटेड कोकोनट मीन्स हमारा नारियल कीज जो होता है फ्रेंड्स वो लिया है हमने। ये है कोरिएंडर सीड यानी कि धनिया, सूखा धनिया है ये। उसके बाद में हमें रेड चिली यानी कि लाल मिर्च लगने वाली है। उसके बाद में हमें ये बादल फूल, दगड़ फूल या बोलो सीड, ब्लैक स्टोन फ्लावर और कलपासी कहा जाता है वो है ये। उसके बाद में हमें क्लोव्स और नटमेग मीन जायफल और लौंग लगने वाली है। उसके बाद में हमें फेनिग्री सीड यानी कि मेथी दाना लगने वाला है। उसके बाद में हमें ब्लैक कार्डिमन यानी कि बड़ी इलायची लगने वाली है। कैरवे सीड मीन्स साई जीरा लगेगा हमें। ये है ग्रीन कार्डिमन यानी कि हरी इलायची। ये है हमारा जीरा, क्यूमिन सीड। उसके बाद में हमें पॉपी सीड लगने वाला है मीन्स खसखस। उसके बाद में सेसमी सीड यानी कि तिल लगने वाली है। उसके बाद में हमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च लगने वाली है। सिनेमन स्टिक यानी कि कलमी। ये है बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। फेनल सीड मीन्स सौंफ। उसके बाद में हमें मेस यानी कि जावित्री लगने वाली है। और ये स्टार एनिस मीन्स चक्री फूल। इसे बनाना, इस मसाले को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और ये जो मसाला बनता है इससे हमारा चिकन मटन एकदम जबरदस्त सा बनता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखिए। सो फ्रेंड, मेरी ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू इट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक कढ़ाई रखी है फ्रेंड्स। अब कढ़ाई में हमें पूरे सूखे मसालों को यानी भूनना है। और उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे धनिया को भून लेते हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आए। और ये जो मैं काढ़ा मसाला का जो ये वाटन मीन्स पीसा हुआ जो मसाला बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये मैं 2 किलो चिकन के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और अगर आप 1 किलो चिकन बना रहे हो तो इनका सबका आप आधा ले लीजिए। इसे अभी हमें अच्छे से भूनना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा धनिया काफी अच्छे से भून चुका है और इसमें से जबरदस्ती खुशबू भी आ रही है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसमें हम डालेंगे हमारा नारियल कीस मीन्स कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, और इसे हमें गोल्डन कलर होते तक भूनना है। इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ये नारियल में भी गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी पॉपी सीड मीन्स खसखस, ये 2 टेबलस्पून के करीब लिया है फ्रेंड्स, और 2 टेबलस्पून के करीब सेसमी सीड यानी कि तिल। इसको भी भून लेते हैं अच्छे से। ये काफी जल्दी भून जाती है इसलिए इसे हमें जल्द से जल्द पलटाते रहना है जब तक कि इसमें से तड़कने का आवाज ना आए। मिट्टी होने के कारण ये फूटने लगेंगी, फूटने लग जाएंगी, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से भून चुका है खसखस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो ये तेल ने भी फूटना शुरू हो गया है। इसे हम धनिया पे ही पलटाएंगे। अब सेम ये लेंगे कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी बड़ी इलायची। हमने 2 किलो चिकन ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम इसमें ये 4 टुकड़े कलमी के डालेंगे मीन्स सिनेमन स्टिक। एक हम वो डाल रहे हैं स्टार एनिस यानी चक्री फूल। इन्हें अच्छे से भूनना है हमें। साथ में 5-6 काली मिर्च डाल देंगे, ब्लैक पेपर,
लौंग डाल देंगे हम 3 से 4 और वो नटमेग। से अच्छे से भुनना है हमें। साथ में हम डाल देंगे साई जीरा जो हमने 1/2 टीस्पून लिया है। साथ में हम जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून। मेथी दाना हम 1/4 टीस्पून से भी कम ले रहे फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा कड़वाहट आती है लेकिन टेस्ट अच्छा आएगा, इसकी वजह से हमें इसे डालना पड़ता है। साथ में हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता, ये ब्लैक स्टोन फ्लावर और कल्पासी मीन्स दगड़ फूल या बादल फूल कहा जाता है इसे। साथ में डाल देंगे हम 1 टीस्पून के करीब, ये है हमारी सौंफ, फेनल सीड, छोटी इलायची हम 4 से 5 डाल रहे हैं और ये जावित्री का एक छोटा टुकड़ा। इसे अच्छे से भुनना है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब साथ में हम इसमें डाल देंगे हमारी सूखी हुई लाल मिर्च, कम ज्यादा आप अपने मुताबिक कम कर सकते हो। ये मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे फ्रेंड्स उतनी टेस्टी हमारी सब्जी बनती है। ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है फ्रेंड्स, तो मैंने सबसे पहले इसका यानी ये जो मैं वाटर मीन्स जो पीसा हुआ यानी गीला हुआ जो मसाला बना रही हूँ काला वाला मसाला, तो ये यानी इसके बाद में मैं इसमें काला मसाला का चिकन बनाने वाली हूँ, यही मसाले का मेरा चिकन बनेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये वाटन बताया है कैसे बनाना है काला मसाला। ये काफी अच्छे से भून चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सेम कढ़ाई लिया है और उसमें हमें ऑयल डालना है, नारियल का जो हम यानी भूनते हैं फ्रेंड्स, तो नारियल को हमें अलग रखना है क्योंकि उसमें हम जब इन्हें उसको पीसेंगे तो इसे हमें ड्राई पहले पीसना है क्योंकि इसमें से ऑयल निकलता है फ्रेंड्स, तो बाकी को फिर वो पीसने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 किलो चिकन में हमने 4 प्याज लिए हैं फ्रेंड बड़ी साइज की। इसे हमें गोल्डन कलर होते तक भुनना है, इसे गोल्डन होते तक हम फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे प्याज में भी गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब इस पेड़ में हम डाल देंगे इसमें लहसुन, हमने 2 गांठ लहसुन की ली थी फ्रेंड्स मीडियम साइज वाली, और ये उससे आधा अदरक लेंगे और ये 4 हरी मिर्च। इसे हमें अच्छे से भूनना है इसके साथ में। हमारी लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी काफी अच्छे से ये हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। अब ये काफी अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स, अभी हम गैस का पावर बंद करते हैं, इसे हमको ठंडा होने देना है, उसके बाद में हमारे सारे मसालों को हमें पीसना है। जब तक कि हमारा प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च वगैरह ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स, हम हमारे ड्राई मसाले को पीसेंगे। तो हमने इसमें जो धनिया पीसा, धनिया तिल और खसखस, इसको पहले पीस लेते हैं, पहले इसे हमें ग्राइंड, जैसे देख सकते हो ये पीस चुका है। अब इसमें हमने जो ये ड्राई मसाले जो भून ऑयल में तले थे फ्रेंड्स, उसे डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है, सबको डाल देंगे और इसे भी हमें ग्राइंड करना है। ये सारे मसाले काफी अच्छे पीस चुके, अब इसे हम अलग कर लेंगे और हमारे यहाँ ये जो नारियल किस है इसे भी हमें पीस लेना है। अब हमारा नारियल किस भी काफी अच्छे से पीस चुका है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो प्याज वगैरह का तैयार करके रखा हुआ था इसे हमें ग्राइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एक बड़ा पॉट लिया है, इसमें जो हमने ड्राई मसाला पीसा था उसे डाल दिया है, उसके बाद में हमारे यहाँ नारियल का ये भी डाल देंगे और इसे एक साथ हमें पीसना है क्योंकि ये छोटे पॉट में इतना सारा नहीं आएगा, अब इसे हम एक साथ पीसेंगे। साथ में हमारा प्याज अदरक लहसुन हरा धनिया हरी मिर्च इसको डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसे पीसना है, गीला पीसना है थोड़ा सा। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा नागपुरी पद्धति का
काढ़ा मसाले अच्छा वाटन मीन्स काले मसाले का ये पिसा हुआ पेस्ट है फ्रेंड्स, जो हमारे चिकन के लिए बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज़ प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।